Hey guys, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन आपको बताएगा कि आप व्हाट्सअप के फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों व्हाट्सअप तो आप सभी यूज़ करते हो, लेकिन एक ही फॉन्ट के साथ आप मैसेज बार बार मतलब रिसीव करते हो और सेंड करते हो, बार बार आप इसे करें बोर हो जाते होगे। लेकिन आज की इस वीडियो में अपन आपको बताएगा कि आप व्हाट्सअप के फॉन्ट चेंज करके स्टाइलिश मतलब जो लेटर है उसमें मैसेज कैसे भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना, सारा मैं जेन्युइन सेटिंग बताऊंगा व्हाट्सएप की। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो साथ ही नॉलेजेबल होने वाली, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे चारों मतलब जो फॉन्ट्स है मैसेज है वो भी स्टाइलिश फॉन्ट में है, मतलब कि अलग अलग फॉन्ट में है। अगर मैं एक मतलब नॉर्मल मैसेज करूँ तो ये मेरा मतलब नॉर्मल मैसेज का ये वो आएगा। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल मैसेज है। अब मैं ऊपर वाले से चारों मैसेज मेरे स्टाइलिश फॉन्ट में है, तो मैंने वो कैसे करी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका अपना जो कीबोर्ड है वो यहाँ पर चेंज यहाँ पर कर ले रहा हूँ। आपका जो भी कीबोर्ड है उससे ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये वाला फॉन्ट बता दूँ, पहला वाला जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये वाले ये मैंने कैसे रखा बोल्ड फॉन्ट में। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने कीबोर्ड में और यहाँ पर टाइप करना होगा स्टार। सबसे पहले स्टार टाइप करना होगा और फिर अपना जो भी मैसेज लिखना है वो आप लिख लीजिए। जैसे मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्टार वेयर आर यू। ठीक है, अब हम इसके लास्ट में भी एक स्टार लगा देंगे, तो मैंने इसके लास्ट में भी एक स्टार यहाँ पर लगा दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा ये बोल्ड मतलब कि मैसेज पहुँच चुका है, आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है, तो पहला मैसेज ये हो गया। अब बात आती है दूसरा मैसेज मैंने कैसे भेजा। दूसरा मैसेज भेजने के लिए आपको सबसे पहले अपना फिर से कीबोर्ड ओपन कर लेना है। यहाँ पर दूसरा मैसेज भेजने के लिए आपको यहाँ पर एक ये वाला मिल रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हो ये वाला, आप एक बार क्लिक कीजिए ये वाला और अपना जो भी मैसेज है आप यहाँ पर लिख दीजिए। वही मतलब जो पहले वाले का मतलब नियम था वो इसमें भी है, पहले और लास्ट में ये दोनों लगा दीजिए तो आपका दूसरा मैसेज भी स्टाइलिश हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सब अट्रैक्टिव हो जाएंगे दोस्तों आपके मैसेज में। अब बात आती है कि मैंने तीसरा मैसेज मतलब कैसे लिखा है। तीसरा मैसेज लिखने के फिर से कीबोर्ड ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर जाना है, जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये वाले तीन मतलब एक दो तीन आपको करने हैं सिलेक्ट और अपना जो भी मैसेज है वो टाइप कर देना है। जैसे मैंने ये टाइप कर दिया वेयर आर यू। ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा ये बड़े बड़े मतलब पतले पतले अक्षरों में और थोड़ी जगह छोड़कर ये सेंड हो चुका है, तीनों में मैसेज मेरे हो चुके हैं। अब बात आती है लास्ट वाला, ये वाला मैंने फॉन्ट कैसे लगाया। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे मैं पहले मैं अपने कीबोर्ड यहाँ पर खोल लूँगा और यहाँ आपको करना है अपना ये वाला मतलब भी कीबोर्ड ऐसे कर लेना है और ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ गया ये वाला, कुछ ऐसा टाइप आपको ले लेना है और अपना मैसेज यहाँ पर सेंड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर सेंड कर दे रहा हूँ, अब मेरा ये वाले मतलब सेंड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ही आप मतलब कि सेंड कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मल सेंड करूँ तो ये मेरा नॉर्मल मैसेज यहाँ पर सेंड हो चुका है। दोस्तों अब आप समझ गए हो कि आप अपने फॉन्ट को स्टाइलिश कैसे बना सकते हो और लोगों को अट्रैक्टिव कैसे मतलब दिखा सकते हो, कि बनना भी कहेगा यार फॉन्ट तो बढ़िया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, फ्री हो रहा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और इससे अगली वीडियो में बनाऊँगा कि जो मतलब रंग वाले फॉन्ट होते हैं कलर वाले वो व्हाट्सएप में कैसे यूज़ करें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वो वाली भी वीडियो आप देख पाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।